भाइयों, मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज की हमारी वीडियो का विषय है डॉक्टर स्वरूप सिंह। ये डॉक्टर स्वरूप सिंह जोनी हरियाणा के एक बड़े इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे आदमी थे। डॉक्टर साहब का जन्म जोनी 9 जनवरी 1917 को गांव सांगी में हुआ। उनका गोत जोनी उड्डा था और उनके पिताजी का नाम गोवर्धन था। वो जो एक बड़े छोटे जमींदार थे। जब डॉक्टर साहब 1 वर्ष के थे तो उनकी माताजी का निधन हो गया सन 1918 के अंदर। इसलिए उनकी दादी जी ने उनका पालन पोषण किया और इस समय उनके पिताजी की आयु 20 वर्ष के लगभग थी, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने पुत्र को पालने के लिए दूसरी शादी करवाने से मना कर दिया। इससे पहले जो ने उनके पिताजी की 3 शादियां हो चुकी थी, लेकिन उनकी तीसरी पत्नी से ही एक संतान थी। 2 पहले ही गुजर गई थी, क्योंकि पहले जो नहीं हरियाणा के अंदर बचपन में ही जो नहीं शादियाँ कर दी जाती थी। जब डॉक्टर साहब को सन 1917 के अंदर पैदा हुए थे, ये वर्ष जो नहीं 19 रूस की क्रांति का वर्ष था और श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी 1917 के अंदर ही पैदा हुई थी। डॉक्टर साहब जब 5-6 वर्ष के हुए तो उनको जो नहीं गाँव के स्कूल के अंदर भेजा गया। डॉक्टर साहब ने अपने गांव के स्कूल से ही जो नहीं 5वीं की परीक्षा पास की। फिर जो नहीं जब वो 5वीं कक्षा में थे और 11 साल की उनकी उम्र थी, उनकी शादी कर दी गई। डॉक्टर साहब 5वीं प्राइमरी स्कूल पास करने के बाद जाटा स्कूल रोहतक के अंदर उन्होंने दाखिला लिया। 1934 के अंदर उन्होंने 1st डिवीज़न से जो नहीं पंजाब यूनिवर्सिटी से मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसके बाद डॉक्टर साहब दिल्ली चले गए। वहाँ से उन्होंने 1936 के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंटरमीडिएट पास किया। 1938 के अंदर रामजस कॉलेज से बीए ऑनर इंग्लिश के साथ जोहनी बीए की डिग्री पास की और जोहनी इंग्लिश ऑनर के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर सेकंड रहे। 1940 के अंदर डॉक्टर साहब ने जोहनी एमए इंग्लिश किया और एमए इंग्लिश के अंदर वो 1st क्लास 1st रहे, दिल्ली यूनिवर्सिटी को टॉप किया। और उनके एमए के अंदर इतने अच्छे नंबर थे कि वो उनका रिकॉर्ड 20 साल तक नहीं टूट सका। लेकिन दुर्भाग्य से डॉक्टर साहब की सन 1940 के अंदर ही जब उनका आखिरी पेपर था, उस दिन उनकी पत्नी का देहांत हो गया। इससे पहले इसमें उनकी एक बेटी भी थी, 3 साल की बेटी भी थी, जिसका नाम पुष्पा था और वो 1936 में पैदा हुई थी। मैच्योर होने पर डॉक्टर साहब ने उसकी शादी गांव मुरथल जिला सोनीपत में कर दी। वो टीचर थे, उनके हस्बैंड उसके 2 बेटे और वो सोनीपत में रहती है। इसके बाद डॉक्टर साहब ने जो है 28 दिसंबर 1940 को जो है दूसरी शादी शीला देवी के साथ कर ली। शीला देवी जिला सोनीपत गांव कुंडल की रहने वाली थी। उसके पिताजी चौधरी हरनाम सिंह थे, जो गाँव के लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे। शीला जी ने गांव के प्राइमरी स्कूल से ही जोनी प्राइमरी की तक की पढ़ाई की थी। इसी परिवार के अंदर चौधरी चरण सिंह जी, जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, वो भी ब्याहे हुए थे। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गायत्री देवी जोनी शीला देवी की भतीजी लगती थी, लेकिन उम्र में वो शीला देवी जी से बड़ी थी। इसलिए चौधरी चरण सिंह भी डॉक्टर स्वरूप सिंह से बहुत प्यार करते थे और डॉक्टर साहब भी उनका बहुत ज़्यादा आदर करते थे। डॉक्टर स्वरूप सिंह की शीला देवी से जो नहीं वो 4 बच्चे पैदा हुए। नंबर 1 कल्पना 14 नवंबर 1943, अरुणा 23 अगस्त 1945, अशोक 28 जनवरी 1948 और अजीत 14 नवंबर 1951। जो कल्पना देवी जो थी, उसने इनकी बड़ी बेटी ने एमए पॉलिटिकल साइंस किया और उन्होंने लव मैरिज की। डॉक्टर साहब जो विचारों से सोशलिस्ट थे, समाजवादी थे, और उन्होंने इंटर कास्ट मैरिज पर कोई जो एतराज़ नहीं किया। उनके दामाद का नाम दीपक सिकरी है, जो आजकल कनाडा में रहती है, और बेटी वेल्ड सेटल्ड है। उनकी दूसरी बेटी अरुणा थी, जिसने एमए इंग्लिश किया और वो एफसी कॉलेज हिसार के अंदर लेक्चरार रही और यहीं से रिटायर हुई है। डॉक्टर साहब जो इंग्लिश राइटर आगाथा क्रिस्टी के को भी बड़ा पसंद करते थे, उसके नावल पढ़ते थे। जब वो अपनी बेटी अरुणा के लिए लड़का देखने के लिए पूसा इंस्टीट्यूट में गए तो जे बी चौधरी जो थे वो अगाथा क्रिस्टी का
वो भी नावल पढ़ रहे थे, डॉक्टर ने इसी बात पर, डॉक्टर साहब ने इसी बात पर उनको सिलेक्ट कर दिया और वो इतने इंटेलिजेंट थे, बाद में वो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बीसी रहे, पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बीसी रहे, और जो है नी आजकल जो नहीं वो अरुणा जो नहीं वो गाजियाबाद में रहती है। अरुणा की बेटी जया जो नहीं वो बिल्कुल उसमें अपने नाना डॉक्टर स्वरूप सिंह के गुण हैं, उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी टॉप किया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को भी टॉप किया और आजकल वो प्रोफेसर है। उनका बड़ा लड़का अशोक फ्रीलांसर है, उसने शादी नहीं की लेकिन अपनी जीवन शांति से काट रहा है। छोटा बेटे अजीत ने इलिनोइस यूनिवर्सिटी यूएसए से एमबीए किया, वो अमेरिका की एक फर्म के अंदर जो है वो प्रेसिडेंट हैं और वेल सेटल्ड हैं। इसी प्रकार से डॉक्टर साहब जो है वो उनका दिल बहुत बड़ा था। जैसे एक कहावत है कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो जम्या ही नहीं, व जिसने लाहौर को नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। इसी प्रकार से हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि जिसने ना देखी दिल्ली वो कुत्ता नहीं बिल्ली। 26 जनवरी के प्रोग्राम और 15 अगस्त के प्रोग्राम को देखने के लिए हरियाणा के बहुत से लोग जो नहीं वो दिल्ली में जाया करते थे और दिल्ली को देखने के लिए भी वो दिल्ली यूनिट के अंदर डॉक्टर साहब के उनके इलाके के लोग डॉक्टर साहब के पास रुकते थे। डॉक्टर साहब का घर तो छोटा था लेकिन दिल बहुत बड़ा था। शीला देवी जी बड़े चाव से सबको खाना खिलाती थी और डॉक्टर साहब जो है नी अपनी जिंदगी से बड़े खुश थे। उसके बाद डॉक्टर साहब जो है नी वो 1900 डॉक्टर साहब के प्रिंसिपल रामजस कॉलेज में श्री बीबी गुप्ता जी थे, यहाँ पर प्रोफेसर शेर सिंह भी उनके क्लासमेट थे। बीबी गुप्ता जी की गाइडलाइन में ही डॉक्टर साहब 1951 के अंदर जो है वो लंदन में पीएचडी करने के लिए चले गए। उन्होंने जो है लंदन से 1953 में पीएचडी की और डॉक्टर साहब ने जो है वो इंग्लिश ड्रामा के ऊपर जो है वो पीएचडी की थी। इससे पहले डॉक्टर साहब जो है 1944 के अंदर रोहतक भी जाट कॉलेज के अंदर वाइस प्रिंसिपल बन के आए थे, लेकिन डॉक्टर साहब क्रांतिकारी विचारों के आदमी थे। वो 1949 के अंदर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के स्टूडेंट यूनियन के दिल्ली के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे थे, लेकिन जाट स्कूल कॉलेज के अंदर यूनियनिस्ट पार्टी वालों का बोलबाला था और यूनियनिस्ट पार्टी चौधरी छोटू राम की पार्टी थी और वो अंग्रेज़ों की लॉयल थी, इसलिए डॉक्टर साहब एक साल के बाद 1943 में ही छोड़कर दोबारा हिंदू कॉलेज के अंदर चले गए। डॉक्टर साहब पीएचडी करने के बाद फिर हिंदू कॉलेज ज्वाइन कर लिया। 1954 के अंदर वो किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली के अंदर जो है नी वो उन्होंने एज वाइस प्रिंसिपल ज्वाइन कर लिया। 1957 के अंदर वो कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए। जब जो है वो कॉलेज के प्रिंसिपल बने तो उन्होंने मैर केवल डॉक्टर साहब के जाट तो थे और उनके विचार जो नहीं वो जाटों की तरह से बिल्कुल खुले थे। जैसे एक कहावत है कि जाट कोई भी अपना सीक्रेट नहीं रख सकता, ठीक डॉक्टर साहब भी इसी तरह के थे लेकिन वो जाटवादी नहीं थे। उन्होंने मैरिट किया इस साल से अच्छे अच्छे प्रोफेसर लेक्चरर कॉलेज के अंदर लगाए और कॉलेज जो नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप 4 कॉलेज के अंदर पहुँच गया और किरोड़ीमल कॉलेज की क्रिकेट की टीम भी सारे यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट आई। इसलिए जोनी डॉक्टर साहब जन्मजात टीचर थे, वो जोनी एजुकेशन का बड़ा और जोनी वो महत्व समझते थे और देश के विकास के लिए एजुकेशन को बहुत ज़रूरी मानते थे। लेकिन 1961 के अंदर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर वो एक बार अपने प्रदेश की सेवा करने के लिए फिर आ गए और वो इंग्लिश के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बने, लेकिन यहाँ पर उनको न तो वैसे विद्यार्थी मिले जैसे वो चाहते थे और जो ऐसा उनको रॉ मटेरियल ही नहीं मिला जो जैसा प्रोडक्ट वो तैयार करना चाहते थे और न ही वो इन्वायरमेंट मिला जैसा डॉक्टर साहब चाहते थे। 1962 के अंदर डॉक्टर 1961 तक डॉक्टर अदवारी लाल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बीसी थे, वही उनको ले आए थे। 1962 के अंदर डॉक्टर साहब चौधरी अदवारी लाल और राजनीति में आ गए और बहादुरगढ़ से MLA बन गए और डॉक्टर सूरजमल को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना दिया गया। इसलिए डॉक्टर साहब जो नहीं वो वापस दिल्ली चले गए। दिल्ली के अंदर जो नहीं फिर 1965 के अंदर उनको मौका मिला इंग्लिश डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो नहीं वो बी राजन विदेश में सेट हो गया, जगह खाली हो गई। डॉक्टर साहब को प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू दिया। डॉक्टर साहब को जो नहीं
वो गालिब को बहुत पसंद करते थे। और यहाँ गालिब की एक बात उनको याद आई कि एक बार गालिब भी 1827-28 के अंदर दिल्ली के किसी कॉलेज में उर्दू के लेक्चरार का इंटरव्यू देने के लिए गए थे, तो डॉक्टर साहब, तो गालिब ने जो नहीं एक सिगरेट लगाई, दो सिगरेट लगाई, फिर तीसरी लगाई और इंटरव्यू को छोड़कर आ गए कि मैंने तो सोचा था नौकरी से इज्जत में इजाफा होता है, ये तो इज्जत को कम करती है। इसी तरह से डॉक्टर साहब भी जो नहीं हो इंटरव्यू के वक्त बड़े सीरियस थे, और जो नहीं किसी ने पूछा आप इतने सीरियस क्यों हैं, तो उसने कहा मैं आपको ये पता है किस आदमी की जगह लेने जा रहा हूँ। कुल मिलाकर उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडहॉक डिपार्टमेंट बना दिया गया। वो जब एडहॉक डिपार्टमेंट बने दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी बन गए। डॉक्टर साहब जॉनी 1970 के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के एन राजन ने जॉनी वो इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर साहब जॉनी को एक्टिंग वाइस चांसलर बना दिया गया। इसमें एक ऐसी घटना घटी, प्रोफेसर जावेद था जीडी सालवन कॉलेज का, पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर, उसने एक हिंदू लड़की से जोनी वो लव मैरिज कर ली। विद्यार्थियों ने स्ट्राइक कर दी, हिंदू और मुस्लिम का सांप्रदायिक मामला खड़ा हो गया। कॉलेज की मैनेजमेंट भी डॉक्टर जावेद को हटाना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर साहब तो समाजवादी विचारों के आदमी थे, वो कास्ट क्रीड और धर्म से ऊपर उठे हुए थे। उन्होंने प्रोफेसर जावेद का जो पक्ष लिया और उन्होंने मैनेजमेंट को साफ शब्दों में कह दिया अगर आपने उनकी नौकरी के साथ कोई खिलवाड़ किया तो मैं आपके कॉलेज की यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन को ख़त्म कर दूंगा। ये मुद्दा अखबारों में भी उछला, लेकिन डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से जो इसको सुलझा दिया। इससे इंदिरा गांधी भी बहुत खुश हुई और खुश होकर इंदिरा जी ने 7 जनवरी 1971 को उनका दिल्ली यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना दिया। डॉक्टर साहब अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो इसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे थे और उसी के अंदर बीसी बने, लेकिन वो बड़े सीधे आदमी थे, सिंपल लिविंग आई थिंकिंग के अंदर उनका विश्वास था। वो वाइस चांसलर होते हुए भी उसी मकान में रहे जो उनको प्रोफेसर के समय मिला हुआ था, और वीसी हाउस में कभी नहीं गए। सारी टीचर यूनियन और नॉन टीचिंग स्टाफ और स्टूडेंट सभी डॉक्टर साहब से खुश थे, और डॉक्टर साहब जो ने वो सबसे बड़े खुलकर बात कर लेते थे। डॉक्टर साहब बड़े जिंदा दिल इंसान थे और वो जन्मजात टीचर थे। वो डॉक्टर साहब जो है साहित्य को पढ़ाते थे, और वो जैसे कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, डॉक्टर साहब कहा करते थे कि जैसा समाज होगा वैसा ही साहित्य लिखा जाएगा। हर स्टूडेंट जब डॉक्टर साहब पढ़ाते थे तो ऐसा फील करता था मानो डॉक्टर साहब उसकी खुद की स्टोरी बता रहे हैं। वो समा बांध देते थे। डॉक्टर साहब कहा करते थे कि जब तक टीचर को पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा तो पढ़ने वाले स्टूडेंट को मज़ा आ ही नहीं सकता। वह उनकी एक जोनी स्टूडेंट रही है, उसने लिखा है कि डॉक्टर साहब अपनी ड्यूटी के प्रति इतने पाबंद और इतने समर्पित थे कि सेशन 16 जुलाई से शुरू होता, वो 16 जुलाई को क्लास लेने अटेंड की थी और सारी साल के अंदर केवल एक दिन नहीं आए, और उस दिन भी वो पहले बता कर गए थे कि मुझे ज़रूरी काम है, कल मैं छुट्टी पर रहूँगा। तो डॉक्टर साहब अपनी ड्यूटी के प्रति बड़े समर्पित थे। जब वो 1971 से 1974 तक वाइस चांसलर रहे, लेकिन 1974 के अंदर जो नहीं इलिनॉइस यूनिवर्सिटी में अमेरिका जो नहीं एज विजिटिंग प्रोफेसर चले गए, लेकिन वहाँ पर जो है नहीं वो इसी दौरान 1975 में उनके पिताजी का देहांत हो गया। वो हिंदू धर्म के अनुसार क्रियाकलाप करने के लिए अपनी नौकरी को छोड़कर वापिस आ गए और जो नहीं अपने सारे पिताजी की सारी रस्म पूरी की 1975 के अंदर चौधरी बंसीलाल जो नहीं वो डिफेंस मिनिस्टर थे। चौधरी बंसीलाल जो है नहीं डॉक्टर स्वरूप सिंह की जी के बड़े अच्छे दोस्त थे। ये दोस्ती उस समय की थी जब 1960 से 1966 तक चौधरी बंसीलाल राज्यसभा के मेंबर हुआ करते थे। डॉक्टर चौधरी बंसीलाल जी ने उनको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो नहीं वो मेंबर बनवा दिया। लेकिन डॉक्टर साहब यूजीसी का चेयरमैन बनना चाहते थे, अपने दोस्त को इनकार नहीं कर सके, लेकिन वो कोई मतलब उनका यहाँ कोई खास दिल नहीं लगा। जब वो यूपीएससी के ऑफिस में जाते थे तो अपने साथ अगाथा क्रिस्टी के नावल ले जाते थे। अगाथा क्रिस्टी एक इंग्लैंड की जो नहीं वो राइटर थी, लेखक थी, और जो है नहीं
वो वहाँ बैठकर पढ़ते रहते थे। यहाँ पर उनकी दोस्ती डॉक्टर ए आर किदवई के साथ हुई, वो भी UPSC के मेंबर थे। बाद में डॉक्टर ए आर किदवई UPSC के जो नहीं वो चेयरमैन भी बने, और क्योंकि दोनों जो नहीं वो गालिब को पसंद करते थे, गालिब के शेरों को पसंद करते थे। डॉक्टर साहब गालिब के शेरों को पसंद करते थे। डॉक्टर साहब जो है नहीं 1900 लेकिन डॉक्टर साहब ने 1978 में UPSC से इस्तीफा दे दिया, जबकि अभी उनके 3 साल बाकी थे। 1978 से 1984 तक वो लोकदल की टिकट पर राज्यसभा के मेंबर रहे। 1984 के अंदर इंदिरा गांधी जी की सिखों ने हत्या कर दी, उसके बाद चुनाव हुए। डॉक्टर साहब को लोकसभा का टिकट रोहतक से लोकदल की टिकट पर दिया गया, लेकिन वो चौधरी अदवारी लाल से चुनाव हार गए। रोहतक कंस्टिट्यूंसी के अंदर लोकसभा में 9 जोनी MLA की कंस्टिट्यूंसी थी, डॉक्टर साहब ने 8 के अंदर जीत दर्ज की, लेकिन रोहतक शहर के अंदर को लोकदल के केवल 6,000 वोट आए और कांग्रेस के जो नहीं 17,000 वोट आए। फलस्वरूप डॉक्टर साहब चुनाव हार गए। इसके बाद जो नहीं फिर 1989 के चुनाव हुए। 1989 के चुनाव में कांग्रेस हार गई। VP सिंह जो नहीं वो देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो कुछ समय तक रहे। उसके बाद चंद्रशेखर जो नहीं वो देश के प्रधानमंत्री बन गए, और चंद्रशेखर जी जो थे नहीं वो समाजवादी विचारों के आदमी थे और डॉक्टर साहब के दोस्त थे। डॉक्टर साहब भी सन 1951 के अंदर जयप्रकाश जी ने, जयप्रकाश नारायण जी ने उनको सोशलिस्ट पार्टी का दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो नहीं वो प्रेसिडेंट बनाया था, ले वो 1 साल तक प्रेसिडेंट रहे, ले उसके बाद उन्होंने उस पद को छोड़ दिया। उस पद को छोड़ दिया। चंद्रशेखर जी ने जो नहीं उनको जो नहीं गवर्नर बना दिया, तो उनके गवर्नर वो केरल के गवर्नर रहे, गुजरात के गवर्नर रहे, और जो नहीं राजस्थान के भी एक्टिंग गवर्नर रहे। उनका गवर्नर का काल इस प्रकार से है। गवर्नर केरला 12 फरवरी 1990 टू 20 दिसंबर 1990, गवर्नर गुजरात 21 दिसंबर 1990 टू 21 जुलाई 1995, एक्टिंग गवर्नर राजस्थान 26 अगस्त 1991 से 4 फरवरी 1993। गवर्नर रहते हुए भी डॉक्टर साहब ने जो है नहीं जो एजुकेशन के लिए बहुत काम किया, क्योंकि एक जो गवर्नर होता है वो राज्य की यूनिवर्सिटियों का चांसलर होता है, वो भी इस चीज़ को समय समय पर गाइडलाइन देते रहते थे और एजुकेशन की तरफ बड़ा ध्यान देते थे। एजुकेशन उनके खून के अंदर थी। 1996 के अंदर वो चौधरी बंसी लाल जोनी वो फिर दोबारा हरियाणा के जोनी मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने अपनी अलग पार्टी विकास पार्टी बना ली थी, और वो जोनी डॉक्टर स्वरूप सिंह को कोई विशेष पद देना चाहते थे, महत्वपूर्ण पद, लेकिन डॉक्टर साहब ने इनकार कर दिया। डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, मैं अब अपनी शांति की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। उनको किताबों की कंपनी बहुत पसंद थी। वो कया करते थे, दोज गिवन टू कीपिंग द कंपनी ऑफ बुक्स नेवर फील बोर्डम विद लाइफ, के जिंदगी में जिसे किताबें पढ़ने का शौक है वो कभी बोर्ड नहीं हो सकता। तिलक साहब भी कहा, बाल गंगाधर तिलक जी भी कहा करते थे कि अच्छी किताबों का मैं जो नहीं वो नरक में भी आदर करूँगा, क्योंकि अच्छी किताबें नरक को भी स्वर्ग बना देती है। इस तरह से डॉक्टर साहब पढ़ने के बड़े शौकीन थे। अभी यहाँ एक और कहावत था कि डॉक्टर स्वरूप सिंह और डॉक्टर अदवारी लाल, डॉक्टर अदवारी लाल एक बात कहा करते थे कि हरियाणा के अंदर डेढ़ आदमी पढ़ा हुआ है लिखा है, वो एक आदमी एक पूरा खुद को पढ़ा लिखा मानते थे और डॉक्टर स्वरूप सिंह को आधा पढ़ा लिखा मानते थे। लेकिन मैं यहाँ ये स्पष्ट कर दूँ, इसमें कोई दोहराए नहीं कि डॉक्टर अदवारी चौधरी अदवारी लाल जो नहीं वो एक बड़े पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट आदमी थे। उन्होंने 10वीं की परीक्षा में दिल्ली बोर्ड को टॉप किया था। उन्होंने 1933 के अंदर BA के अंदर जो है नहीं सेंट स्टीफन कॉलेज को फर्स्ट डिवीजन से पास किया था। वो पहले स्टूडेंट थे जो सेंट स्टीफन कॉलेज के अंदर फर्स्ट डिवीजन ले आए थे। वो चौधरी अदवारी लाल जोनी वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर भी रहे। चौधरी अदवारी लाल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और MD यूनिवर्सिटी के VC रहे, तो और वो कई बार MLA बने, और 1984 के अंदर लोकसभा के सदस्य MP भी बने। उन्होंने कई किताबें भी लिखी, और चौधरी अदवारी लाल जोनी किताब अखबारों के अंदर आर्टिकल लिखते रहते थे। लेकिन मैं यहाँ स्पष्ट कर दूँ,
डॉक्टर स्वरूप सिंह भी जो है नी वो कम नहीं थे, उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी को एम ए इंग्लिश के अंदर टॉप किया था और वो लंदन से पीएचडी थे। अगर अटवारी लाल जी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर रहे तो डॉक्टर स्वरूप सिंह जी अरे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर रहे। डॉक्टर साहब 1978 से 84 तक राज्यसभा के सदस्य रहे, वो कई स्टेट्स के केरला गुजरात राजस्थान के गवर्नर रहे और उन्होंने भी कई किताबें लिखी हैं, जो लिटरेचर चार किताबें लिखी हैं 1963 1975 1983 1988 और 1995 के अंदर चार किताबें इंग्लिश की लिखी हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण किताबें और पढ़ाई जाती हैं। इस प्रकार से डॉक्टर स्वरूप सिंह जी को ये कहना वादे पड़े हुए थे ये उनके कद को कम करना है। डॉक्टर स्वरूप सिंह गालिब के लिटरेचर के इतने शौकीन थे और वो अगाथा क्रिस्टी के इतने शौकीन थे ते डॉक्टर के उनके बेडरूम के अंदर सिर्फ एक फोटो लगा हुआ था और वो गालिब का था। जो गालिब को जो नहीं गालिब लॉजिक के आधार पर सोचते थे और जो नहीं डॉक्टर स्वरूप सिंह भी लॉजिक के आधार पर रीजनिंग के आधार पर सोचते थे। दोनों के जो नहीं दोनों अपने काम करने में विश्वास रखते थे। जैसे गालिब एक जगह कहता है पीने दे मुझे मस्जिद में बैठकर वरना वो जगह बता जा खुदा न हो, यानी खुदा तो हर जगह है, क्या मस्जिद और क्या घर। और जैसे समाजवादी कहते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान बेसिक नीड है आदमी की, तो गालिब फरमाते हैं कितना खौफ होता है रात के अंधेरों में, जाके पूछो उन परिंदों से जिनके घर नहीं होते। गालिब एक जगह दूसरी जगह फिर कहते हैं मैं नादान था जो वफा को तलाश करता रहा, गालिब यह न सोचा कि एक दिन अपनी सांस भी बेवफा हो जाएगी। ये जो हिंदू मुस्लिम के दंगे होते हैं, गालिब फरमाते हैं अगर है कहीं तू मौजूद फिर यह हंगामा ए खुदा क्या है। तकदीर के बारे में गालिब जी कहते हैं हाथ की लकीरों पर मत जाए गालिब, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। गालिब आगे कहते हैं खाक मिट्टी में लिए कब्र की ये सोचता हूँ गालिब कि इंसान जो मरते हैं उनका गरूर कहाँ जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि गालिब भी लॉजिक के आधार पर सोचते थे और डॉक्टर साहब भी लॉजिक के आधार पर सोचते थे। दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी, दोनों को दिल्ली बहुत पसंद थी। जैसे गालिब ने कहा है कौन जाए गालिब दिल्ली की गलियाँ छोड़कर, इसी तरह डॉक्टर साहब भी जो नहीं वो 70 साल तक दिल्ली के अंदर रहे। डॉक्टर साहब जो है नी वो यारों के यार थे। जैसे एक ईएम फोस्टर एक जगह लिखता है कि ये जो मुझे देश और दोस्ती में से एक कुछ चुनना पड़े तो मैं मेरे दोस्त की दोस्ती को चुनूंगा, ठीक इसी प्रकार डॉक्टर साहब जो है नी वो पॉलिटिक्स और दोस्ती में से एक को चुनना होता तो वो दोस्ती को चुनते थे। चौधरी बंसीलाल उनके अच्छे दोस्त थे, जब चौधरी बंसीलाल के बुरे दिन आए चौधरी देवलाल ने उनको रेस्ट करवा दिया तो डॉक्टर स्वरूप सिंह सच्चे दिल से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। इसी प्रकार उन्होंने अपने दोस्त यार की दुवई को चौधरी जॉनी चरण सिंह को कहकर बिहार का गवर्नर बनवाया था, जबकि जॉनी वो उनकी पार्टी के भी नहीं थे। और इसलिए यार डॉक्टर स्वरूप सिंह यारों के यार थे। उन्होंने अपने जिंदगी को बड़े सुकून के साथ और जी भर के लंबी जिंदगी तक जिया। 4 अगस्त 2003 को डॉक्टर साहब भगवान को प्यारे हो गए। मैथ्यू अर्नोल्ड ने एक बार अपने हेडमास्टर थॉमस अर्नोल्ड के बारे में कहा था ही सा लाइफ स्टीडली एंड सा इट होल, कि उसने सारी जिंदगी को और बड़ी देखा और धीरे धीरे जिया और बड़ी सुकून से जिया और लिया ठीक तरह और पूरी जिंदगी को जिया। डॉक्टर साहब ने ठीक इसी प्रकार से डॉक्टर साहब ने सा लाइफ स्टीडली एंड सा इट होल। डॉक्टर साहब जोनी बड़े शांति से रहने वाले आदमी थे और वो भी जोनी जवाहरलाल नेहरू की तरह से अपने आगे लिख कर रखते थे वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप आई हैव माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। उनका मोड इरादा जिंदगी में सदा ऊंचा था और वो आगे के आगे बढ़ते रहे। जय हिंद भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।